ये पीछे आपको सनसेट दिख रहा होगा, अभी सनसेट हो रही है रसिया में, अभी आपको ये खजान सिटी आपको पता चल ही होगा मेरे ब्लॉग को देख के। और पीछे मैं इन्हें बैकग्राउंड काफ़ी मस्त लिया है, ये खिलौनों को तोड़ के बनाया गया है मेनली। तो मैं आज मेनली बात करने वाला हूँ अपने टॉपिक जो मेरा चुना है स्कॉलरशिप की, मेरी यूनिवर्सिटी खजान स्टेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कैसे देती है। इसका मेन क्राइटेरिया है कि आप 15%, 10% या 5% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आपको 15% पाने के लिए क्या करना होगा कि आपको यूनिवर्सिटी के सारे एग्ज़ाम, आपको सारे जो मेन सब्जेक्ट हो रहे हैं आपको उस समय 90 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि मेन सब्जेक्ट आगे फर्स्ट ईयर में हो जाते हैं बायोलॉजी, एक एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, और बाकी रशियन भी एक मेन सब्जेक्ट है, आपको इसमें क्लियर करना होगा। बाकी जो इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके हैं जैसे कि इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, आपके मैथ हो गए, फिजिक्स हो गए, उसमें आप कितने भी लिया, 70 लिया, 80 लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता आपके मार्क्स पर। आपके किसी सब्जेक्ट में 90 से कम आ गए, एक में 80 चला गया, तो आप 15% क्राइटेरिया से नीचे आ जाओगे, डायरेक्ट 10% पर आ जाते हो। फिर आता है 5% को कैसे मिलेगा। 5% का क्राइटेरिया ये है कि आपके सारे मार्क्स 87 है और एक भी सब्जेक्ट में 90 से ऊपर नहीं है। बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे हॉस्पिटल प्रैक्टिस हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आपको 80 से नीचे नहीं जाना। अगर 80 से आप नीचे जा रहे हो तो आपका स्कॉलरशिप में आपका नाम ही नहीं रहेगा। फिर अब आता है कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपको आपके हैंड में नहीं आने वाला है 1 रुपया भी इसमें, आपकी ये स्कॉलरशिप आपकी यूनिवर्सिटी की फीस हिसाब पर डिसाइड कर साढ़े अभी फर्स्ट ईयर में, ताकि फीस से 4.5 लाख, तो 4.5 लाख की फीस में आपकी ये फीस, ये स्कॉलरशिप का 60-70 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। तो आपको इससे काफ़ी सुविधा मिल जाती है। गार्जियन की काफ़ी शौक होती है कि मेरा बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है विदेश में तो उसको स्कॉलरशिप मिले। और ये ऐसे नहीं कि हर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देगी, कुछ ही यूनिवर्सिटी है रसिया में जो आपको स्कॉलरशिप देती है, खजान स्टेट यूनिवर्सिटी उनमें से एक है जो आपको स्कॉलरशिप दे रही है। तो आप यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले ये भी चेक कर लिया करो कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। और बच्चा ऐसा नहीं कि बच्चा आ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, ये देख के आना चाहिए। चलो तो फिर मिलते हैं अपने नए कॉन्टेंट के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।